dear students, I welcome you in the course of leadership, emotional intelligence and decision making. This is module number twenty three, and we are going to talk about integrating leadership theory and psychodynamic paradigm. जब हम leadership theory और psychodynamic paradigm की बात करते हैं, तो we have to be very much careful कि एक leadership development वो कैसे हो रही है, उस leader के पास से मंजर में क्या-क्या बातें हैं, क्या-क्या सोचे हैं। उसके लाइफ इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स क्या हैं और उन तमाम बातों के साथ वो फॉलोअर्स के साथ इंटरक्ट वो कैसे कर रहा है सो so, एक एक लीडर इज लिंक्ड टू फॉलोअर्स एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स थ्रू नंबर होप कि वो उनके लिए उम्मीद का सोर्स है नंबर टू वो उनके साथ एसोसिएटेड है एक ट्रस्ट रिलेशनशिप के अंदर जिस ट्रस्ट के तहत वो फॉलोअर्स उसको आइडियालाइज भी कर रहे हैं और उसको फॉलो भी कर रहे हैं द थर्ड थिंग इज लीडर उनमें इंकलकेट कर सके पॉजिटिव इमोशंस, बिकॉज अगर वो नेगेटिविटीज की बात करेगा तो नेगेटिविटीज के साथ फॉलोअर्स वुड बी डिस्ट्रैक्टेड वो उसकी बात को समझ नहीं पाएंगे उस पर अमल नहीं कर पाएंगे और उनके अंदर नेगेटिव इमोशंस जनरेट हो जाएंगे जिन नेगेटिव इमोशंस से उनकी प्रोडक्टिविटी सेटिस्फेक्शन एंगेजमेंट इन्वॉल्वमेंट कंप्रोमाइज हो जाएगी सो so, एक लीडर को कोशिश क्या करनी है कि वो पॉजिटिव इमोशंस के साथ एसोसिएट कर सके अपने आप को विद द फॉलोअर्स और पॉजिटिव थिंकिंग वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इसी बात का दर्श दे कि हाउ टू थिंक पॉजिटिव चौथा अमर जो कि लीडर और फॉलोअर रिलेशनशिप में मौजूद है दैट इज टू टॉक अबाउट ऑप्टिमिज्म कि हम बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस को देखें और इस बात को भी जहन में रखें कि एक प्रॉब्लम के लिए देयर कैन बी मल्टीपल सॉल्यूशंस और उन मल्टीपल सॉल्यूशंस में हम ऑप्टिम रिजल्ट करना चाहते हैं बाजुकात हमारे लिए मुमकिन नहीं होता टू अचीव मैक्सिम सेटल नहीं कर सकते तो optimum. Optimum की ये हो सकती है कि अवेलेबल सरकमस्टांस में आप अपने आप को बेहतरीन वो कैसे करते हो सो लीडर फॉलोअर रिलेशनशिप में ये चार मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके बगैर यह ताल्लुक इनकम्प्लीट हो जाएगा सेकेंडली जब हम साइकोडायनामिक्स की बात कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑथेंटिक लीडरशिप इज इवॉल्व और ऑथेंटिक लीडरशिप इज एक्चुअली बेस्ड अपॉन फोर इंग्रेडिएंट्स। द फर्स्ट वन इज दैट सोशल आइडेंटिफिकेशन विद द ऑर्गेनाइजेशन एक लीडर अपने आप को भी और अपने फॉलोअर्स को भी वो एसोसिएट कर सके ऑर्गेनाइजेशन के साथ पॉजिटिवली जहां पर ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल्टी एंगेजमेंट इन्वॉल्वमेंट ये तमाम चीजें मटीरियलाइज के वो ट्रस्ट रिलेशनशिप के साथ एक लीडर को फॉलो करें उसके मिशन एंड विजन को अंडरस्टैंड करें वो ये बात जान पाए कि लीडर उनकी बेहतरी के लिए ही सोच रहा है और प्लान कर रहा है और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने से एक लीडर कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब हम बात कर रहे हैं तो फॉलोअर्स आर एबल टू अचीव their assigned targets so followers should be able to identify themselves with the leader our identification create hope so that means authentic leadership perspective is established the third thing is that the leader should be talking about should be advocating should be preaching should be having the strong belief on ethical foundations and ethical concerns उसको डूज एंड डोंट्स के फर्क का पता हो उसको राइट एंड रॉन्ग के फर्क का पता हो तभी वो अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट कर पाएगा और उनको सही डायरेक्शन में लेकर चल सकेगा एंड इफ द लीडर इज प्लेइंग एथिकली सो दैट लीडर इज सपोजिटली ऑथेंटिक द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इंडिविजुअल गोल्स अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स वो इस हरारकी को अंडरस्टैंड कर सके लीडर इस बात को समझ सके कि इंडिविजुअल के जो टास्क असाइनमेंट्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीवमेंट के साथ किस तरीके से एसोसिएटेड हैं, जैसे के targets, के साथ एसोसिएटेड होते हैं और डिपार्टमेंटल इंडिविजुअल तो इस एसोसिएशन को कायम और बी टेकन अप एज ऑथेंटिक लीडर द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज के साइकोडायनामिक डेवलपमेंट ऑफ द लीडरशिप जो है वो गोल डायरेक्टेड एनर्जी के साथ ऑपरेट करे और जब हम गोल डायरेक्टेड एनर्जी की बात करते हैं तो फॉलोअर अपने आप को एसोसिएट कर सकें उन परस्पेक्टिव के साथ उन गोल्स के साथ जो उन डायरेक्शंस के साथ जो लीडर ने उनको प्रोवाइड की हैं देरफोर जब हम उन परस्पेक्टिव को एसोसिएट कर पाएंगे तो पॉजिटिवली ऑर्गेनाइजेशन आउटकम्स वो हमें मिलेंगे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी प्रॉफिटेबिलिटी स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन इट वुड बी इंक्रीजिंग सेकेंड जब एक फॉलोअर अपने लीडर के साथ अपने आप को एसोसिएट कर पाएगा और वो लीडर ऑथेंटिक भी होगा तो उससे फॉलोअर्स को जॉब सेटिस्फेक्शन वो भी मिलेगी और यही जॉब सेटिस्फेक्शन उसकी जॉब इन्वॉल्वमेंट एंगेजमेंट लॉयल्टी कमिटमेंट इन चीजों को भी जन्म वो देगी देन द फॉलोअर एंड लीडर एसोसिएशन उस गोल डायरेक्टेड एनर्जी के तहत ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट को एनहांस कर सकेंगे लॉयल्टी विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉयल्टी विद द जॉब ये दोनों चीजें हमारे सामने मटीरियलाइज होंगी और उसी एसोसिएशन के तहत द पीपल वुड बी हैविंग द आइडिया दे हैव टू गो फॉर रिस्क टेकिंग बिकॉज रिस्क टेकिंग तभी वो करेंगे जब उनका ट्रस्ट एंड होप विद द लीडर वो कायम और बरकरार होगा लाइकवाइज जब हम साइकोडमिकस्पेक्टिव में इमोशनल इंटेलिजेंस को देखें तो इमोशनल इंटेलिजेंस में याद रखिएगा कि जहां पर लीडर को सेल्फ अवेयरनेस मोटिवेशन सोशल इंटेलिजेंस एम्पथी इन बातों को मटीरियलाइज करना है और जहन में रखना है वहां पर उसको यह भी सोचना होगा कि वो इमोशंस को रीजंस के साथ एसोसिएट कर सके कि हर एक इमोशन के बैकेंड के ऊपर कोई ना कोई लॉजिक और रीजन है और फॉलोअर्स जो इमोशंस डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं उसके बैकेंड के ऊपर रीजन जानना यह लीडरशिप के लिए जरूरी होगा सेकेंडली वो रीजनिंग को एसोसिएट कर सके विद इमोशंस तो ये टू वे प्रोसेस होगा जहां पर हम इमोशंस को रीजन के साथ और रीजन को इमोशंस के साथ एसोसिएट कर पाए ताकि हम एक ऐसा पैटर्न समझें जिस पैटर्न से हमारा नॉलेज बिल्डिंग भी हो हम पहिए को दोबारा इजाद भी ना करें जो कि नॉलेज मैनेजमेंट का बेसिक स्लोगन है और साथ ही साथ हम ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एब एवरेज रिटर्न दे सकें इंडिविजुअल लेवल फोकस को मेंटेन रखते हुए द थर्ड थिंग जो इमोशनल इंटेलिजेंस के प्रस्पेक्टिव में लीडर को समझनी है दैट इज इमोशंस टू फेसिलिटेट रीजनिंग हमारे पास जो लॉजिक्स हैं, हमारे पास जो रीजंस हैं, हम उनको इमोशंस के साथ जज्बात के साथ वो एक सिंक्रोनाइजेशन के साथ डेवलप कर सकें हम ये बता सकें कि कोई भी जज्बा वो किस रीजन के तहत डेवलप कर रहा है और उस रीजन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए नो no डाउट हमें अपने फॉलोअर्स के जो साइकोडायनामिक डेवलपमेंट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना होगा एंड वी the और इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड लुक एट इज मैनेजिंग कल्चर इज बेसिकली मैनेजिंग इमोशंस याद रखिएगा कि कल्चर इज बेसिकली इज इक्वल टू द स्ट्रक्चर प्लस ह्यूमन स्ट्रक्चर तो एक फिजिकल आउटलुक है अब ह्यूमन अपने साथ इमोशंस और रीजंस कैरी करता है अब अगर आप इमोशंस को अंडरस्टैंड कर लें तो आप एक ऑर्गेनाइजेशनल परस्पेक्टिव में एक कल्चर को अंडरस्टैंड वो कर पाते हैं बिकॉज कल्चर में जो मेन मैनिफेस्टेशन है वो इमोशंस की है विच इज कमिंग फ्रॉम द ह्यूमन साइड लाइकवाइज वाइज देर इज अनदर थिंग वी हैव टू लुक एट एंड दैट इज सेल्फ एफिकेसी एफिक साइकोडोनामिक परस्पेक्टिव लीडर अपने फॉलोअर्स में इस बात को इंट्रोड्यूस करवा सके दैट दे शुड हैव द एबिलिटी टू से दैट यस दे कैन डू इट और ये जो कंसर्न है हमारा यस आई कैन डू इट दैट इज बेसिकली व्हाट वी कॉल सेल्फ एफिकेसी जिसको हम खुद अफादियत का नाम भी वो देते हैं अब सेल्फ एफिकेसी वो कैसे डेवलप हो पाएगी सेल्फ एफिकेसी को डेवलप करने के लिए द फॉलोअर्स दे नीड टू गो थ्रू सक्सेसफुल एक्सपीरियंसेस

अपने फॉलोअर्स में सेल्फ एफिकेसी को भी बढ़ाना है और अपने फॉलोअर्स की नीड्स वॉन्ट्स डेवलपमेंट ऑफ थॉट एंड रीजनिंग इन तमाम चीजों को भी अंडरस्टैंड वो करना है थैंक यू